One, two, three. मत करना भाई साहब, कानों में बजता पूरा, कान में खुजली हो गई। हेलमेट लगा हुआ है, बस्ट हो गए वाला। ये देखो, ये है अपने एक्सट्रीम मोटो एडवेंचर दीपक गुप्ता, और आज इनको आप पिलियन सीट पे देख रहे हो। और ऐसा क्यों आप पिलियन सीट पे देख रहे हो वो भी मैं आपको आगे दिखाता हूँ, पर देखो क्या कर रहे हैं। सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू, दिस इज अंकित, वेलकम टू द चैनल वंस अगेन। सो गाइस, आज बहुत ज़्यादा खुशी का दिन है, और ये खुशी का दिन मेरे लिए नहीं, मतलब मेरे लिए तो है, बट जो आज जिसका दिन है वो है एक्सट्रीम मोटो एडवेंचर दीपक गुप्ता। ये पीछे अपनी खड़ी चार्ली, कुछ दिन पहले मैंने इसका डिलीवरी का एक वीडियो बनाया था, और आज मैं आया हूँ कावासाकी के शोरूम पे, और यहाँ पर मैं आया हूँ एक्सट्रीम मोटो एडवेंचर की नई जो सुपर बाइक है उसकी डिलीवरी लेने के लिए आया हूँ। एंड अभी हम हैं कावासाकी के शोरूम पे दिल्ली के, और अभी दीपक भाई से भी बात कराएंगे। और ये सारी देखो, एक से एक प्यारी बाइक खड़ी है ऑलरेडी। वैसे आपको थंबनेल में शायद पता लग गया होगा कौन सी बाइक है, बट मुझे टू बी वेरी फ्रैंक अभी भी नहीं पता कि कौन सी बाइक उनकी डिलीवरी है। सो यार, ये देख रहे हो इतने सारे लोग आए हुए हैं। तो ये इतने सारे लोग आए हुए हैं, ये खड़े सेलिब्रिटी साहब, अभी इनसे बात करेंगे और पूछेंगे सारी इनकी बाइक के बारे में। सो गाइस, ये सारी बाइक्स खड़ी हैं, बट जो असली दुल्हन है जिसका थोड़ी देर में पर्दा उठने वाला है, घूंघट उठने वाला है, वो ये है। तो अभी देखते हैं कौन सी बाइक है, बहुत बेसब्री से इंतजार है, देखते हैं अभी। तो चलो यार, आपको कुछ बाइक्स दिखा दूं तब तक, जब तक पीछे टाइम पास कर रहे हैं। ये देखो, एक ये खड़ी अपनी 1000 निंजा, ब्यूटीफुल मशीन, चलाई मैंने यार। इसकी टॉप स्पीड मैंने 150 मारी थी खाली, बट बहुत पावरफुल बाइक है ये। रोड लीगल नहीं है मेरे ख्याल से, टू स्ट्रोक बाइक है ये वाली। और ये अपनी है निंजा 300, अमेजिंग मशीन, कोई वाइब्रेशंस नहीं है बाइक में, बहुत प्यारी है। ओ भाई साहब, ये तो पूरा जहाज़ है कावासाकी वर्सेस। अगर इसके ऊपर पूरे पैनियर्स लगा दो ना ये बाइक, मतलब हार्ड पैनियर्स के साथ, तो ये जहाज़ लगेगी बाइक। पता नहीं वीडियो में कैसा लग रहा होगा, बट बहुत बड़ी और ख़तरनाक सी बाइक लग रही है ये अपनी बाइक। जितने भी क्रूजर्स हैं जिनको क्रूजिंग करना बहुत पसंद है, तो ये उनके लिए बाइक है। ये अपनी 1000 कावासाकी, ये अपनी निंजा 650 एंड शायद वो भी 650 होगी। तो ये सब हो रहा है इसके लिए। कॉन्ग्रेचुलेशन भाई साहब, बहुत बड़ा जहाज है भाई ये तो। फीलिंग अमेजिंग है। अरे बैठो ना, बैठो। अरे वो वीडियो शूट हो जाएगा, बैठो। हमारा वीडियो अच्छा बनना चाहिए। श्योर फ्रॉम एडवेंचर टूरर टू स्पोर्ट्स बाइक टूरर, स्पोर्ट्स बाइक टूरर, एडवेंचर टूरर है ये।
सो गाइज फ्रॉम बजाज चेतक टू पल्सर 220 और उसके बाद ऑल इंडिया राइड, उसके बाद डोमिनार, उसके बाद पैसे ख़त्म हो गए, अपनी कार बेची, ऑल इंडिया राइड करी और आज बाइक ले रहे हैं सुपर बाइक और वो है ये है अपने एक्सट्रीम मोटो एडवेंचर। सबसे पहले यार कॉन्ग्रेचुलेशन, मतलब ये एक सुपर बाइक का जो होता है, मतलब कोई भी लड़का होता है उसका ड्रीम होता है। दीपक भाई आपका भी सुपर बाइक का ड्रीम था? जब बचपन में थे हम तो यार देखते थे कि सुपर बाइक्स आवाजें करते हुए निकल रही है, जूम जाम बूम बाम करते हुए, तो वही था यार कि कभी सोचा नहीं था कि सुपर बाइक भी अपने घर आएगी एक, तो आज ड्रीम पूरा हुआ है मेरा। तो काफी लोग, डीजे भाई मैंने भी आपको बोला था और काफी लोगों को मैंने फेसबुक पे भी देखा, यूट्यूब पे भी देखा, लोगों ने आपको बोला ये हाँ। सुपर बाइक नहीं हर टाइगर कोई भी एडवेंचर टूरर बाइक। हाँ। तो मतलब आपको ये कैसे हो गई भाई, लोगों का परसेप्शन क्या है कि जो एडवेंचर है वो सिर्फ टाइगर ही कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे कि डोमिनार है, मैंने डोमिनार हर जगह लेके गया हूँ, ऐसा नहीं है कहीं नहीं लेके गया, यहाँ तक कि पानी में चलाए, समुद्र मतलब कि नाला नदी, मतलब हर जगह उसको लेके गया हूँ, बर्फ पे यहाँ वहाँ। तो बंदे के ऊपर डिपेंड करता है, बंदे के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर जैसे आप ये बात बोल रहे हो तो आप हो भी यार एकदम किलर एडवेंचर टूरर, तो क्या ये बाइक भी एडवेंचर टूरर होने वाली है? बिल्कुल एक एडवेंचर, सीरियस बिल्कुल, मतलब स्पोर्ट्स बाइक भी, स्पोर्ट्स बाइक को हम एक टूरर ही बनाने वाले हैं। ये भाई साहब ये कुछ एक्सट्रीम होने वाला है। तो मुझे पता है जैसे इन्होंने ट्रेंड शुरू कर दिया है एडवेंचर टूरिंग का, उसके बाद अब मुझे लगता है हर कोई सुपर बाइक लेगा और ऐसे ही एडवेंचर टूरिंग करने वाला है। ये बहुत मतलब पूरे बहुत लोगों ने करी हुई है एक्चुअली, ऐसा नहीं है। Z900 लेके लोग उमलिंगला नहीं गए ना अब मेरे को लगा। अच्छा डीजी भाई ये बाइक आपकी कौन सा है, BS4 मतलब Euro 5 क्या है? Euro 5 है आपकी। और ये बाइक आपको अभी कितने की पड़ी? अभी ये मुझे पड़ी है 9.10 लाख। और ये मतलब Euro 5, और कुछ कह रहे थे आप डिस्काउंट चल रहा है या क्या सीन है? थोड़ा बहुत डिस्काउंट, मतलब कि जो BS6 आएगी वो इससे करीब करीब 60,000 या 70,000 रुपए महंगी होगी, मतलब 1-1.5 महीने के बाद जो बाइक आने वाली है, मेरे ख्याल से आ चुकी है मार्केट में, और सेम बाइक यही होने वाली है? सेम बाइक यही। तो गाइस ये भी एक बेनिफिट है जो डीजी भाई ने मतलब ग्रैब कर लिया टाइम पे, बिल्कुल कि 70-80 हज़ार रुपए मतलब डीजे भाई के बच रहे हैं। और वो जो पैसा बचेगा भैया अपना, जो शोर मचाने वाली मशीन आने वाली है ना, जूम जूम वैसे इसका साउंड भी काफी अच्छा है, इसका अच्छा है, लेकिन हमें वो चाहिए। वो भी आएगा। तो वंस अगेन कांग्रेचुलेशन डीजे भाई, बहुत शुक्रिया। तो गाइस ये आ चुका है अपना केक कटने वाला, और अभी देखो हमारा हम लोगों का क्या सीन होता है। अभी हम दीपक भाई मैं और 2-3 लोग यहाँ पर खड़े थे जब केक नहीं आया था, अब देखो सारे जैसे केक आया ना जितने भी लोग हैं सारे यहाँ आ गए, और सबको उससे इंटरेस्ट नहीं है भाई पीछे खड़ी है, सबको पहले ये खाना है और उसके बाद टाटा। भूख भी लग रही है हमें, इसलिए हमें खाना है, भूख लग रही है सुबह मतलब। अभी वहाँ खड़े थे ना, अभी वहाँ खड़े थे केक देख के, यहाँ नहीं खड़ा था भाई साहब। अच्छा सबसे सेफ बंदा यही चल रहा है, जब भी तू बोलता है ना ये मास्क लगा लेता है। अपनी पहचान ना दिखाए किसी को। दीपक भाई कितनी माइलेज दे रही है बाइक, काफ़ी लोग जानना चाहते हैं। जो मैंने पढ़ा है वो मतलब कि सिटी के अंदर 15 के आसपास है, और हाईवे पे देखा जाए तो 20। आपको हाईवे ही चलाने, सिटी में कहीं चलाना है? हाईवे होता है जैसे पहाड़ों में चलाते, तो वहाँ पे भी थोड़ी मतलब 15-20 के बीच में लेके चले के बीच में। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बहुत जल्दी इसका व्लॉग आ रहा है यार? बिल्कुल, मतलब व्लॉग इन द सेंस मतलब टूरिंग वाला, एडवेंचर वाला, बिल्कुल आएगा, खतरनाक, बिल्कुल वेट करेंगे। आओ जी काटो जी केक तो लगाओ जी, आ रहा है गॉड चिल्ला चिल्ला। हैप्पी बर्थडे गोचिला, हैप्पी बर्थडे गोचिला। जी भाई मैं आया हूँ। अरे तू सही है भाई, चुप ना दो ना। हाँ सही है, बहुत सेक्सी। सब आ रहे हैं, रुक जाओ। 1, 2, 3। सो गाइस इवेंट पूरा हो चुका है, बाइक की पूरी डिलीवरी हो चुकी है, पेमेंट सारी कर दी है, बस यहाँ से अब नीचे उतरने का टाइम है। और बहुत सारे लोग आए और बहुत इंजॉय किया। डीजे भाई
कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। आप निकाल रहे हो बाइक बाहर या फिर भैया निकालेंगे? कोई भी निकाले। चला नहीं हमने है तो चलो अब बाहर का सीन दिखाते हैं। और आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो, और अगर पसंद आया तो डीजी भाई को कॉन्ग्रेचुलेशन जरूर बोल सकते हो कमेंट सेक्शन में। डीजी भाई रिप्लाई करें ना करें लेकिन मैं सबको करूंगा थैंक यू के लिए। सो वंस अगेन डीजी भाई बहुत बहुत शुक्रिया भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन। और अब टाइम है ब्रूम ब्रूम करने का, ठीक है, ब्रूम करने का। अब गॉड जी ना मचाएगा क्या तहलका और धमाल। तो चलो गाइस आज के वीडियो में इतना ही था, अब आपसे मिलूंगा अगले ब्लॉग में, इसी ब्लॉग में जो अपनी कंटिन्यू करने सीरीज। टिल देन राइड हार्ड राइड सेफ, दिस इज मी ड्रीम चेसर साइनिंग ऑफ, बाय बाय। ये जो आवाज़ सुन रहे हो डीजी भाई की बाइक की नहीं है, ये भैया की बाइक की है, ये स्टोर के ही हैं और डीजी भाई की बाइक ये खड़ी है। तो मतलब बताना था कहीं आपको लगे कि वो डीजी भाई की बाइक ही है। नॉर्मल एग्जॉस्ट, वो एक्रोपॉविक का शर्ट लगा हुआ है, कोई भी लगा हुआ है।